फ्रेंड्स, जब भी पेशेंट हमारे पास सर्दी खांसी या जुकाम लेके आता है तब हमें लंग ऑस्कुलेशन करना है दोस्तों। लंग ऑस्कुलेशन करने से पहले सबसे पहले हमें हमारा स्टेथोस्कोप चेक करना है दोस्तों। सबसे पहले मैं हम स्टेथोस्कोप के कुछ पार्ट्स से बता देता हूँ। फ्रेंड्स, ये स्टेथोस्कोप का ईयर पीस, ठीक है, ये ईयर पीस है, ये ट्यूब है और ये चेस्ट पीस है। चेस्ट पीस में जो आगे का पार्ट रहता है इसको डायफ्राम बोलते हैं और पीछे का पार्ट उसको बेली बोलते हैं। इस स्टेथोस्कोप में सिर्फ डायफ्राम है, बेली नहीं है दोस्तों, ठीक है। ये ईयर पीस हमें आगे की तरफ रखना है। ईयर पीस आगे की तरफ क्यों रखना है? ईयर पीस में कैसा है, ये ईयर पीस के जो ईयर पीस ये आगे की तरफ रखना है। ईयर पीस ये आगे की तरफ क्यों रखना है? हमारे जो मिडिल ईयर की जो एनाटॉमी है ना, मिडिल ईयर की एनाटॉमी, उस प्रकार से मिडिल ईयर की एनाटॉमी के हिसाब से ये ईयर पीस बनाया रहता है दोस्तों, ठीक है। इसलिए ईयर पीस हमें आगे की तरफ रखना है और ये बेली हमारा डायफ्राम है ना, डायफ्राम हमें चेस्ट पे फर्मली रखना है, डायफ्राम हमें चेस्ट पे ऐसे फर्मली रखना है दोस्तों, ठीक है। अब सबसे पहले ऑस्कुलेशन स्टार्ट करने से पहले हम लोग स्टेथोस्कोप चेक करते हैं। स्टेथोस्कोप चेक करने के लिए हम लोग ये ईयर पीस कान में डालेंगे, ठीक है। जो चेस्ट पीस है ना, चेस्ट पीस चालू करना, हमें स्टेथोस्कोप चालू करने के लिए हमें सबसे पहले चेस्ट पीस को कैसे ऐसे राइट की तरफ घुमाना है। राइट की तरफ घुमाया कैसे चेस्ट पीस ये चालू होता है, ठीक है। अब हमें चेक करना है स्टेथोस्कोप चालू है या बंद है, क्योंकि कई बार क्या होता है ये चेस्ट पीस हमें राइट की तरफ घुमाते नहीं और बंद स्टेथोस्कोप से ही ऐसे चेक करते हैं दोस्तों, ठीक है। इसलिए पहले सबसे पहले हमें स्टेथोस्कोप चालू करना है, ये चेस्ट पीस को हमें राइट की तरफ घुमाना है दोस्तों, ठीक है। फ्रेंड्स, बिफोर डूइंग ऑस्कल्टेशन आस्क द पेशेंट टू ब्रीथ डीपली। बिफोर डूइंग ऑस्कल्टेशन आस्क द पेशेंट टू ब्रीथ डीपली सो दैट गुड एयर फ्लो जनरेट्स एंड वी विल गेट डिटेल्ड लंग साउंड्स, ठीक है दोस्तों। अभी हम लोग लंग ऑस्कल्टेशन स्टार्ट करते हैं। लंग ऑस्कल्टेशन करते समय हमें ऑल लोब्स शुड बी एग्जामिन ड्यूरिंग लंग ऑस्कल्टेशन। अभी हम लोग लंग ऑस्कल्टेशन देखते हैं दोस्तों। लंग ऑस्कल्टेशन में सबसे पहले हमें लंग ऑस्कल्टेशन स्टार्ट करने से सबसे पहले हमें ट्रेकिया थोड़ा सा कट कर लेते हैं।